आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन इज ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो ये जो जने हैं ये एक सर्कल पे बैठे हैं और सब सेंटर को फेस कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि सब सेम ऑर्डर में फेस कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम एक सर्कल टेबल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारा सर्कल हो गया। एक हम सर्कल और कंसिडर करेंगे, यहाँ पर हम पॉसिबिलिटीज लेकर चलेंगे और इस सर्कल में हमारे पास जैसे ही पॉसिबिलिटी फिक्स हो जाएगी हम उसको मार्क करते चले जाएंगे, ठीक है, फाइनलाइज कर देंगे इसमें हम इसको, ओके। सो प्रोसीड करते हैं। हमें क्या गिवन है, दैट इज बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच हस्बैंड। तो बी कहाँ बैठ रहा है, सेकंड लेफ्ट ऑफ एच के हस्बैंड के, ठीक है। तो एच के हस्बैंड को हम कहीं पर भी कंसिडर कर सकते हैं रेंडमली, तो यहाँ पर हमने एच के हस्बैंड को कंसिडर कर लिया। सर्कल टेबल की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर क्या होता है कि आप कहीं पर भी किसी को कंसिडर कर सकते हो, बस आप इसके हिसाब से हमें बिठाना होता है। तब इसके सेकंड राइट पे, तो ये अगर इधर फेस कर रहा है यानी ये इसका सेकंड राइट होगा, इस साइड होगा, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो यानी बी कहाँ बैठेगा, बी यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब इन दोनों का प्लेस जो है वो फिक्स है। आगे क्या गिवन है, नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। कोई भी फीमेल बी की इमीडिएट नेबर नहीं होगी, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास कोई फीमेल नहीं बैठ सकती, ठीक है। तो यहाँ पर हम फीमेल लिखकर क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब है ब्रैकेट्स में हमने एफ लिखा है, दैट मीन्स फीमेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आगे हमारे पास हमने एफ को भी बिठाना है तो उसके साथ हमें कंफ्यूज नहीं होना, ओके। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, दैट इज डीज डॉटर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। अब जो डी की डॉटर है वो कहाँ बैठेगी, सेकंड राइट पे बैठेगी एफ के। तो देखो एफ इज द सिस्टर ऑफ जी और आगे हमें गिवन है कि एफ और जी क्या है, सिस्टर, दैट मीन्स एफ एक फीमेल है, ओके। एफ अगर जी की सिस्टर है, एफ एक फीमेल है, तो एफ यहाँ पर नहीं बैठ सकता। तो एफ यहाँ पर अगर हम इसको बिठाते हैं तो इसका सेकंड राइट, तो देखो ये यहाँ पर फेस कर रहा है, दैट मीन्स इसका राइट कौन सा होगा, ये होगा, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट। तो एक पॉसिबिलिटी है कि डीज डॉटर जो है वो यहाँ बैठेगी, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं डीज डॉटर, ओके। और क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, और पॉसिबिलिटी है कि एफ अगर यहाँ पर होता है तो सेकंड राइट इसका कौन सा हो, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो ये हो गया डीज डॉटर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डीज डॉटर। और क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि एफ अगर इधर होता है तो डी की डॉटर यहाँ आएगी, बट यहाँ पर फीमेल नहीं आ सकती, दैट मीन्स हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब आगे क्या गिवन है हमें कि एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच हस्बैंड। एफ जो है वो एच के हस्बैंड का इमीडिएट नेबर नहीं बन सकता, तो एच का हस्बैंड यहाँ पर है, इसका इमीडिएट नेबर यानी ये वाला केस जो है ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम काटा मार देंगे, ठीक है। तो इसको हमने काटा मार दिया। अब एफ का पोजीशन जो है इधर फिक्स हो गया और डी की डॉटर का भी पोजीशन इधर फिक्स हो गया। तो देखो यहाँ पर हम बना लेते हैं कि ये हमारा कौन हो गया, बी, ये हमारा हो गया एफ, ये हमारा क्या हो गया, एफ, और यहाँ पर हमारी फाइनलाइज हो गई डीज डॉटर। तो इसको हम लिख सकते हैं डीज डॉटर और हमें मालूम हो गया दैट इज एच हस्बैंड जो है वो यहाँ बैठेगा, दैट मीन्स दिस इज प्लेस ऑफ एच हस्बैंड। और क्या गिवन है हमें यहाँ पर, बस यही हमें फाइनल हुआ है अभी। आगे हमें क्या गिवन है, दैट इज ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ, कि ए और एफ के बीच में केवल एक जना बैठेगा, ओके। अब एफ हमारा यहाँ पर है, ए और एफ के बीच में केवल एक जना बैठेगा, दैट मीन्स हम ए यहाँ पर भी कंसिडर कर सकते हैं और यहाँ पर भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमें क्या गिवन है, ए इज द फादर ऑफ जी। ए जो है वो जी का फादर है, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि ए एक मेल है, ठीक है। अगर ए मेल है दैट मीन्स ये ए पॉसिबल नहीं है, तो ए कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यही प्लेस हुआ इसका, दैट मीन्स ये फाइनल हो गया कि यहाँ पर कौन है, ये ए है, ठीक है, ए इज द फादर ऑफ जी। अब आगे गिवन है एच ब्रदर डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच मदर। अब एच का जो ब्रदर है डी वो इमीडिएट राइट पे बैठेगा एच की मदर के, ठीक है। अब ये एच का हस्बैंड है, ये कौन है, डीज डॉटर है। अब एच की मदर कौन हो सकती है, ये हमें देखना होगा।
तो देखो एच की जो मदर है ना, एच मदर वो कौन हो सकती है? एक तो वो एक फीमेल हुई, यानी कि इन दोनों प्लेस पे तो एच की मदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जो हमें गिवन है कि डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच मदर, तो यानी कि डी उसके इमीडिएट राइट पे आएगा, तो जो भी होगी उसका राइट प्लेस जो है खाली होना चाहिए। तो देखो अगर हम यहाँ पर एच की मदर को बिठाते हैं तो इसका इमीडिएट राइट खाली नहीं है, अगर यहाँ पर एच की मदर को बिठाते हैं तो इसका इमीडिएट राइट खाली नहीं है, अगर हम यहाँ पर तो बिठा ही नहीं सकते, यहाँ फीमेल नहीं बैठेगी, तो यानी यही एक स्पेस बचता है, तो यहाँ पर कौन बैठेगी? एच मदर, तो यानी कि बी कौन होगा? एच की मदर होगी, ठीक है। अब अगर हम इसका इमीडिएट राइट देखें तो ये खाली है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा, तो यानी कि ये भी हमारा फाइनल हो गया, तो हम इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं एच मदर, ठीक है। अब इसके इमीडिएट राइट पे कौन है? डी, तो यहाँ पर कौन आ गया? डी आ गया, ठीक है। अब आगे क्या गिवन है? ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच मदर एंड ई, एच की मदर और ई के बीच में केवल एक जना बैठेगा। अब यहाँ पर फाइनल है कि ये ए है, दैट मीन्स यहाँ पर ई हमारा ये होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, ठीक है। आगे हमें क्या गिवन है? दैट इज ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड जी, एच और जी के बीच में भी केवल एक जना बैठेगा। अब देखो जी के लिए क्या प्लेसेस पॉसिबल है, हमें ये देखना होगा। जी और एफ जो है सिस्टर्स हैं, ये हमें यहाँ पर गिवन था कि एफ एंड जी आर सिस्टर, एफ इज द सिस्टर ऑफ जी, इसका मतलब जी एक फीमेल है, तो जी यहाँ नहीं बैठ सकती, जी यहाँ नहीं बैठ सकती, तो स्पेसेस कौन से बचे? एक तो ये बचा और एक ये बचा, ठीक है। इन दोनों पे हमने जी को कंसिडर कर लिया। अभी हमें गिवन है कि जी इज द मदर ऑफ सी, जी इज ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड जी, और लास्ट लाइन हमें गिवन है जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जी जो है वो ई का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकती, दैट मीन्स जी यहाँ तो हो ही नहीं सकती, यहाँ पर जी का प्लेस होगा, तो ये अब जी का प्लेस भी हमारा फाइनल हो गया, तो यहाँ से हमारा ये जी आ गया, ठीक है। अब जी और एच के बीच में एक जन बैठेगा, तो जी अगर यहाँ पर है दैट मीन्स एच हमारा यहाँ आएगा, तो ये हमारा प्लेस फाइनल हो गया एच का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? तो यहाँ पर बचा कौन? सी, दैट मीन्स सी हमारा इधर आएगा, तो ये हमारा सी हो गया। अब ये दोनों फॉर श्योर क्या होंगे? मेल होंगे, क्योंकि यहाँ पर फीमेल नहीं बैठ सकती, तो ये दोनों क्या होंगे? एक मेल होंगे, ठीक है। सो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बेसिस पे हमने अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है, ओके। सो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? दैट इज फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो ये इनमें से क्वेश्चन कह रहा है कि कोई चार किसी तरह से सिमिलर है, कोई एक अलग होगा, हमें देखना है कैसे, ठीक है। तो अब मार्क करते हैं, हम सिंपली क्या करेंगे, जो जो हमें गिवन है हम उसको मार्क करते चलते हैं। तो पहला ऑप्शन में हमें गिवन है एफ, तो एफ हमारा ये है। सेकंड क्या है? बी में सी, तो सी कहाँ है? सी हमारा यहाँ पर है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? ई, तो ई कहाँ पर है? ई यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट है एच, तो एच हमारे ये है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? दैट इज जी, तो जी हमारा यहाँ पर है। अब देखो इन सब में क्या सिमिलैरिटी है, अगर हम ध्यान से देखें, ये तीनों, ये चारों क्या है? फीमेल्स है, सी हमारा लेकिन एक मेल है, दैट मीन्स कि सी ऑड वन आउट हो गया, दैट इज ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज सी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस गिवन ग्रुप, ओके। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।